हेलो दोस्तों, मैं शीशा टेरेस गार्डन दीवा से बोल रही हूँ। दोस्तों देखिए, मैं कुछ ये पौधे गेंदी के, ये हाइब्रिड गेंदा है, ये छोटी गेंदी के मैं पौधे लाई हूँ और ये साथ में डहेलिया भी। तो इसको लाए 5-6 दिन हो गए, अब आज मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। पहले मुझे टाइम नहीं लगा था। तो देखिए, पहले पौधे छोटे थे, यहाँ रखे थे। तो मैं थोड़ा सरसों खली का लिक्विड, 1 गिलास सरसों खली का लिक्विड लेके, और थोड़ा उसमें केला 1-2 मिले थे, और थोड़ी शकरकंदी के छिलके मिले थे। तो उसको मैं 4-5 दिन पानी में गला के और फिर छान के और पानी मिला के थोड़ा डाल दिए। देखिए कैसे ये कल्ले इसके निकल आए हैं। देखिए ब्रांच कितनी सारी, और ये बड़े बड़े हो गए। पहले ये सब कलियां नहीं थी, किसी किसी में हल्की छोटी सी कली थी। ये देखिए इतना विकास हो गया 5-6 दिन में, 1 दिन सरसों की खली का लिक्विड डालने से। आज मुझे टाइम था, मैं सोची कि इसको ट्रांसप्लांट कर दूं। आज 30 तारीख है, 30 नवंबर, मैं 5-6 दिन पहले लाई थी इसको। तो दोस्तों मैं इसको ट्रांसप्लांट करके बताऊंगी। और ये देखिए, ये मैंने कुछ केले के छिलके, आलू के छिलके, साथ में ये गोभी, ये सब हम सुखवा लिए हैं। और ये केले के छिलके ये, और साथ में चाय की पत्ती भी सुखाए। और मेरे टेरिस से ये जो झाड़ू लगा के निकला था, ये भी कचड़े निकले हैं। तो मैंने इसको 5-6 दिन की धूप लगवा दी है। ठंड में धूप कड़ी कम होती है, तो उतना अच्छे से नहीं सूखा, फिर भी इसके फंगस खत्म हो गए। अब ये देखिए मेरा बड़ा ग्रो बैग है, तो मैंने इसमें इसको भर लिया है। तो ये नीचे फर्टिलाइजर भी बनती रहेगी और वेट भी इसका हल्का रहेगा। जब ये फ्लावर का सीजन खत्म होगा तो मुझे इससे बहुत अच्छी खाद मिल जाएगी, जो मेरे अगले गमले भरने के काम में आएगी। तो दोस्तों मैं अभी ये भर के बताऊंगी। दोस्तों मेरी ये मिट्टी पहले से ही बनी हुई है, इसमें सब कुछ मिला है। थोड़ा इसको रिचार्ज करेंगे। तो हमने ये गोबर की थोड़ा खाद सड़ी हुई और ये राख मिला लिया है, जो प्राकृतिक पोटाश का काम करता है और फंगीसाइड का भी काम करता है। साथ ही देखिए मैं कुछ भूसी भी मिलाऊंगी। ये मैं अभी ये नए चावल की भूसी मैंने कल ही मिल से मंगवाई है, इसी के इंतजार में मुझे लेट हो गया और टाइम ना मिलने की वजह से। तो मैं इसको पहले थोड़ा डाल दूंगी अपने ग्रो बैग में, कि खाली स्पेस ये भर जाए अच्छे से। और हमारे छत में, क्योंकि हम लोग इतना पौधे लगा देते हैं और मिट्टी और बालू डालेंगे तो वजन तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो मैं सोचती हूँ कि मिट्टी और बालू का कम रहे, ये सारे मिश्रण रहे, जिससे खाद भी बनती रहेगी और वेट भी कम रहेगा। और दोस्तों अब ये कुछ हम मिट्टी में मिला लेंगे। ये दोस्तों ये देखिए मेरी मिट्टी भर गई। ये बड़ा पॉट है, तो हम सोचते हैं कि ये चौड़ा भी है और लंबा भी ग्रो बैग है, तो मैं दो ये पौधे लगा दूं हाइब्रिड के गेंदे के। दोस्तों इसको मैं ट्रांसप्लांट करूंगी। ये सावधानी से निकाल लें, इसकी जड़ भी ना टूटे। और ये एक्स्ट्रा जो ये गीली मिट्टी है, इसको धीरे से निकाल दें, जड़ हमारी ये खराब ना हो पाए। ये सावधानी से, थोड़ा बहुत हल्की जड़ निकल भी जाएंगी, मेन जड़ ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं होता, पौधे लग जाएंगे। 1-2 दिन इसको शेडी एरिया में रख दे। और ये हमने देखिए सावधानी से मिट्टी निकाली। क्या है, अगर हम मिट्टी नहीं निकालेंगे तो इसमें बालू कम रहती है, चिपचिपी मिट्टी रहती है, भुरभुरी नहीं रहती। और हम भुरभुरी बनाती हैं तो हम, अगर पानी हो गया थोड़े से ज़्यादा, तो ये इसकी जड़ खराब हो जाएंगी, पौधा गल के खराब हो जाएगा। कुछ पौधे तो हमारे पानी के कारण खराब हो जाते हैं। तो हम इसको धीरे धीरे, अगर नहीं निकलती है तो हम इसको 15 मिनट के लिए पानी में डाल दें और धीरे से हिला दें, तो ये एक्स्ट्रा मिट्टी निकल जाएगी। तो हमारी ये मिट्टी सारी निकल गई है, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा दें। ये दोस्तों ये अब इधर एक और लगा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह ये मैं सारे पौधे को ट्रांसप्लांट करूंगी। दोस्तों ये मेरे पौधे लग गए, अब ये इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी एक बार इसमें फुल डाल देना चाहिए कि नीचे तक ये चला जाए, एक बार पूरी मिट्टी हमारी नम हो जाए। और फिर दोस्तों ठंड में हमें अपने हिसाब से पानी देना चाहिए कि हमारे पौधे मिट्टी ज्यादा गीली ना रहे, हमारे पौधे गले ना, बस नम होना चाहिए। ये एक बार इतना पानी डालें कि ड्रेनेज होल से ये बाहर आ जाए। ये
ये पूरी मिट्टी डाल दी, हमारा ये पौधा पूरा गीला हो गया। तो ये दोस्त, और ये जो पड़ी है ये भूसी, तो धूप से भी हमारे पौधों को बचाएगी, मल्चिंग का भी काम करेगी। देखिए पानी बाहर आ गया। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।